दोस्तों आज हम चलेंगे एशिया के मध्य में स्थित एक खूबसूरत देश उज्बेकिस्तान के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सेंट्रल एशिया में स्थित उज्बेकिस्तान का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान है। एक समय यह देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 31 अगस्त 1991 को उज्बेकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आया। यह एक लैंडलॉक देश है। इसके नॉर्थ में कजाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में किर्गिस्तान, साउथ ईस्ट में तजाकिस्तान, साउथ में अफगानिस्तान और साउथ वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान है। इस देश का क्षेत्रफल 4,48,978 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से यह दुनिया का 56वां बड़ा देश है, जबकि इस देश की जनसंख्या 3,61,00,000 है। वहीं इस देश का जनसंख्या घनत्व 742 व्यक्ति प्रति 10 वर्ग किलोमीटर है। उज्बेकिस्तान की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर ताशकंद है। दोस्तों ये वही ताशकंद है जहां हमारे सबसे ईमानदार और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई थी। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज उज्बेक है। इसके अलावा यहाँ रशियन भाषा भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। बात करें धर्म की तो उज्बेकिस्तान एक सुन्नी इस्लामिक देश है। इस देश की 96.1% आबादी इस्लाम का पालन करती है, जिसमें सुन्नी मुस्लिम्स की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ की 2.2% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, जबकि 1.7% आबादी अलग अलग धर्मों को मानती है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देखें तो उज्बेकिस्तान दुनिया की 75वीं बड़ी इकोनॉमी है। इस देश की जीडीपी 90.392 बिलियन डॉलर है। वहीं इस देश की औसत प्रति व्यक्ति आय $2,509 है। उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम है। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का एक रुपया 148.97 उज्बेकिस्तानी सोम के बराबर है। यानी अगर आप सिर्फ 1,000 रूपए लेकर उज्बेकिस्तान जाते हैं तो आपको 1,48,970 उज्बेकिस्तानी सोम मिलेंगे। इसका मतलब है कि आप वहाँ लखपति होंगे। दोस्तों बर्बर और क्रूर मंगोल शासक चंगेज खान और भारत पर हमला करने वाला क्रूर शासक तैमूर लंग उज्बेकिस्तान के ही रहने वाले थे। इसके अलावा भारत पर हमला करके मुगल वंश की स्थापना करने वाला बाबर भी उज्बेकिस्तान का ही रहने वाला था। दोस्तों उज्बेकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है। इस देश में प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, सोना, यूरेनियम, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतना ही नहीं, इस देश के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोने का भंडार मौजूद है और यहाँ प्रतिवर्ष 80 टन सोना खदान से निकलता है। दोस्तों उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कपास की खेती का बहुत महत्व है। यहाँ कपास की खेती बहुतायत में की जाती है। यही कारण है कि उज्बेकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक और 5वां सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। दोस्तों सोवियत रूस से आजाद होने के बाद उज्बेकिस्तान में 1991 के बाद इस देश पर एक ही राष्ट्रपति का शासन रहा, जिनका नाम था इस्लाम करीमोव। सितंबर 2016 में उनकी मृत्यु के बाद इस देश में 25 साल बाद पहला आम चुनाव 2016 में किया गया। दोस्तों उज्बेकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी खुली सोने की खदान है, जो करीब 3.5 किलोमीटर लंबी और 2.5 किलोमीटर चौड़ी तथा 560 मीटर गहरी है। इसका नाम मुरुनताओ गोल्ड माइन है। यह उज्बेकिस्तान के रेगिस्तानी एरिया में है। इस खदान में साल 1967 में काम शुरू किया गया था। दोस्तों 50 साल पहले तक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर कहा जाने वाला अरल सागर भी उज्बेकिस्तान में ही है, लेकिन अब यह मानवीय गतिविधियों के कारण तेजी से सूख रहा है और सूखते सूखते यह एक झील के आकार का हो चुका है। दोस्तों दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक समरकंद और बुखारा इसी देश के शहर हैं। इसमें से भी समरकंद शहर 2750 साल पुराना है। दोस्तों उज्बेकिस्तान के परंपरागत उज्बेक ब्रेड को ओबी नॉन कहा जाता है। इस देश के प्राचीन परंपरा के अनुसार यदि परिवार का कोई सदस्य किसी यात्रा पर जा रहा है तो उसे इस उज्बेक ब्रेड का एक टुकड़ा काटकर खाना होता है और जब तक वह यात्री वापस घर न लौट आए तब तक के लिए बाकी का ब्रेड कहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है या कहीं छिपा दिया जाता है। दोस्तों उज्बेकिस्तान में केवल पुरुष ही आपस में हैंडशेक करके अभिवादन कर सकते हैं,
किंतु एक उज्बेक महिला का अभिवादन करने के लिए आपको उसके सामने झुककर अपने दाहिने हाथ को दिल पर रखना होता है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान दुनिया के उन दो देशों में से एक है जहां के नागरिकों को नजदीकी समुद्र तट तक पहुंचने के लिए किसी भी दिशा में दो देशों की सीमाओं को पार करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश के निकटतम पड़ोसी भी महासागरों तक पहुंच से वंचित है। दोस्तों, इसी तरह की समस्याओं वाला दूसरा देश लिंटेस्टीन है। दोस्तों, उज्बेकिस्तान पर्यटन के लिहाज से एक खूबसूरत देश है। इस देश में बहुत सारी ऐसी मस्जिदें और मकबरे हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। उज्बेकिस्तान में घूमने वाली जगहों में ऐतिहासिक शहर समरकंद और बुखारा, ताशकंद सिटी, खोरासान के नाम से मशहूर 2000 साल पुरानी कीवा सिटी, दानियार का मकबरा, कोकंद का खुदायार खान पैलेस इत्यादि प्रमुख है। दोस्तों, अगर आप उज्बेकिस्तान घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और उज्बेकिस्तान का वीजा होना चाहिए। उज्बेकिस्तान जाने के लिए आप नई दिल्ली या मुंबई से ताशकंद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।